जो नए लोग गलतियां करते हैं, और ये सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा पाप है। आप क्रिमिनल हो अपनी फैमिली के लिए, सोच आपकी फैमिली रोड पे आ जाएगी इस ऐसे करने से। हेलो गाइस, स्वागत है एक और वीडियो में, मेरा नाम कुंदन है। दोस्तों आज मैं बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, और मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि ये पाप आप लोग मत कीजिएगा। इसको स्टॉक मार्केट में क्राइम, पापी कहा, अगर आप ये करते हो तो आप पापी हो स्टॉक मार्केट में, और वो है लोन लेके ट्रेडिंग करना। ये सबसे बड़ा पाप है स्टॉक मार्केट में, ये कभी नहीं करना चाहिए। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि भैया मेरे पास पर्सनल मैंने लोन लिया था, क्यों? क्योंकि मैं उससे ट्रेडिंग करके अमीर बनना चाहता था, यानी कि मैं जॉब से आज़ादी चाहता था। अब मैं ईएमआई चुका रहा हूँ, ज़िंदगी भर चुकाना पड़ेगा ये ईएमआई। जो जॉब से आप आज़ादी चाहते थे, अब उसी जॉब को आप ज़िंदगी भर करना पड़ता है। ऐसे मुझे मैसेज आ जाए, सर मैंने हस्बैंड का पैसा खो दिया, सर मैंने क्रेडिट कार्ड से लोन लिया था, मैं चुका नहीं पा रहा हूँ, अब वहाँ पे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, अब उसका ईएमआई मैं कैसे चुकाऊँ। सो ये जो मैसेजेस हैं दोस्तों, ये नए लोग के साथ ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, आप लोग के साथ भी हुआ होगा या फिर होने वाला है। आप क्या करेंगे स्टॉक मार्केट में, अब कोई बंदा स्टॉक मार्केट में आता है, उसको प्रॉफिट होता है, सबको होता है, नए लोगों को प्रॉफिट होता ही होता है, फिर वो क्या समझता है। अब ये बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ा मतलब अनफॉर्चुनेट हो जाता है, इसको मैं बोलूँगा दुर्भाग्य से हो गया। प्रॉफिट होना नहीं चाहिए नए लोगों को, क्योंकि जब वो देख लेते हैं ना प्रॉफिट, तो उनको लगता है कि अरे ये तो बहुत आसान है, यहाँ पर तो आसानी से पैसा कमाया जा सकता है। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो सोचते हैं कि अगर मैंने 5,000 से, जो ऑप्शन के एग्जांपल दे रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग, ज़्यादातर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में बर्बाद होते हैं। तो ऑप्शन अगर आप नए हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहें। अगर आपको नहीं आता है, अगर आपको ये सब समझ में नहीं, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक ऑप्शन फ्यूचर से दूर रहें, ठीक है। सो ज़्यादातर लोग ऑप्शन बाई में आते हैं और उनको मान लीजिए छोटे अमाउंट से प्रॉफिट हो जाता है 1-2 हज़ार का। अब वो सोचते हैं कि सर ये तो बहुत आसान है ऑप्शन बाइंग, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं कि अगर मैंने 5,000 से 1,000 कमा लिया तो क्या होगा, अगर मेरे पास 50,000 हो, क्या होगा मेरे पास 1,00,000 हो, क्या होगा मेरे पास अगर 5,00,000 हो, तो मैं तो एक ही दिन में 1,00,000 रुपया कमाने लगूंगा। जैसा वो YouTube पे वीडियोस देखते हैं 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट, उनको नहीं पता है कि आपको नहीं पता है कि कितना रिस्क ले रहा है वो बंदा। अगर कोई बंदा 1,00,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है तो वो 50,000 का रिस्क ले रहा है। इसको आप जितनी जल्दी समझोगे उतना अच्छा है, और वो बिल्कुल कंफर्टेबल है कि वो प्रॉफिट, अगर वो लॉस होता है तो बिल्कुल कंफर्टेबल है, उसके पास करोड़ों रुपए हैं कैपिटल, आपको नहीं पता है, ठीक है। सो एक नया बंदा क्या करता है, ऐसे प्रॉफिट देखता है यूट्यूब पे, ऐसे स्ट्रैटेजी देखता है, और लोन लेके सारा पैसा पीसी करने लगता है, या फिर किसी मान लीजिए उसके पास कोई इमरजेंसी फंड था, तो उसने क्या किया कि जो भी इमरजेंसी फंड था कोई, उसको स्टॉक बहुत अच्छा लगा था और सारा स्टॉक, सारा पैसा स्टॉक्स में डाल दिया, और ज़्यादातर वो स्टॉक्स पेनी होते हैं। ये मैं लोगों को एग्जांपल बताऊँ। आप सोच रहे हो ना कि जो आपको सपने दिखा रहा है कि भाई तुम बस हमें 40,000 दे दो, हम तुम्हें रोज़ प्रॉफिट करवाएंगे, बस ये टिप सर्विस ले लो और रोज़ प्रॉफिट होगा। मैंने किसी को नहीं सुना आज तक, किसी को नहीं सुना कि कोई टिप्स लेकर अमीर बना है, कोई नहीं मतलब, ठीक है। सो जो आपको ऐसा सपने दिखा रहे कि सिर्फ 40,000 लाओ और रोज 4,000-5,000 कमाओ, बैंक निफ्टी, निफ्टी कॉल्स, या फिर ये ज्वाइन करो, वो ज्वाइन करो, हमारा कोर्स लो, आपको बस 50,000 में आप फुल टाइम ट्रेडर बन जाओगे, लाइफ सेट हो जाएगी। सो ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर आप कोई 5,00,000 भी, आपके कोई मतलब आपके पास 5,00,000 भी है, तो अगर वो लोन पे है तो उसको वापस जल्दी से उसको बैंक में दे दो। लोन से ट्रेडिंग नहीं करते हैं। आप जो सोच रहे हो ना कि अमीर बन के फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, आप उल्टा ट्रैप हो जाओगे, जिंदगी भर जॉब करनी पड़ेगी। सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक नया बंदा क्या सोचता है कि यहाँ से मैं 12% के लोन पे, यानी कि मान लीजिए 12% का रेट होता है, 12% पे लोन उठाता हूँ, और ना मैं साल का क्या, महीने का 100% बनाऊंगा। नए लोग की सोच कि मैं महीने का हर महीने में पैसा दोगुना करूंगा, ठीक है। कितने लोग तो हर दिन सोचते हैं कि ऑप्शन बैंक, तो हर दिन वहाँ पे 100% 120% बढ़ता है। सो ये नए लोग होता है जी, मैं क्या बोलूँगा। और मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे कि ऐसा मत करना, ये क्राइम करोगे अपनी फैमिली के साथ का। आप सोचो आपकी वजह से अब जब आपको लॉस होगा, अब आप नए हो तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपको लॉस ही होगा, आपको कुछ पता नहीं है। और ये गलतियाँ जो है ना, ये नए लोग ही करते हैं, प्रोफेशनल्स कभी लोन नहीं लेते हैं, ट्रेडिंग लोन पे करते नहीं। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप लोन पे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न कितना कमाओगे, 30% 40%। अगर आप साल का 40% कमा ले रहे हो तो बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल गॉड ट्रेडर हो आप, ठीक है, अगर 40% कमा ले रहे हो तो। सो वो अच्छा, बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। लेकिन नए लोगों को महीने का 40% चाहिए, महीने का 100% चाहिए, तो क्या करते हैं, और कॉन्फिडेंस कमाल का होता है, नए लोगों में कॉन्फिडेंस कमाल का होता है, ओवर कॉन्फिडेंट कि अरे ये स्ट्रैटेजी काम करती है, इंडिकेटर काम करता है, और सारा पैसा लगा देते हैं। तो ये नहीं करना है, ये पाप है, ये आप मतलब ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। सोचो एक कॉमन सेंस लगाओ, जो बैंक आपको लोन दे रही है 12% पे, क्या उनको नहीं पता स्टॉक मार्केट
क्या उनको क्यों 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 दे रहे हैं आपको 12% पे लोन पे? क्योंकि उनको पता है कि प्रोबेबिलिटी स्टॉक मार्केट में बहुत कम है सक्सेस होने की, 99% फेल होते हैं। तो क्या चांस है कि आप सक्सेस हो जाओगे अगर आप नए हो तो? ठीक है, आपको कुछ नहीं आता, आपने कुछ सीखा नहीं है, ना आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, तो क्या चांसेस है? क्या वो बैंक को दिमाग, बैंक वालों को दिमाग, जो इतना पढ़े लिखे एकदम ग्रेजुएट्स MBA मतलब फाइनेंस मतलब पूरी पूरा टीम है उनके पास पढ़ी लिखी, फिर भी वो लोग आपको 12% लोन दे रहे हैं, क्यों ना वो स्टॉक मार्केट लगा दें और 24% 30% कमा लें? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो लोन दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है सक्सेस होने की। ठीक है दोस्तों, सो ये मैं कोई डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, नए लोगों को समझा रहा हूँ कि भैया लोन नहीं लेते हैं। मुझे आप लोग को क्या बोलूँ, मतलब आप लोग नहीं पता दुनिया कैसी है, जिसको लॉस हुआ है लोन लेके वो अब EMI भर रहे हैं जॉब की, जो जॉब से उनको आज़ादी चाहिए था, जो जो बॉस जो उनको परेशान करता था, जो जिनसे उनको आज़ादी चाहिए था, अब उन्हीं को सुन रहे हैं ज़िंदगी भर और सुनते रहेंगे क्योंकि उनको लॉस हो गया है, अब वो भर नहीं पा रहे। तो मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि ऐसा नहीं होता, ये जो आपको रिटर्न के सपने, मान ली कहीं से आपने देख लिए हो, कोई यूट्यूब वीडियो देख लिया हो कि अरे महीने का 20% बनता है, 10% बनता है, मैं भी कमा लूँगा। आप नए हो, बनता नहीं है, 20% महीने का नहीं बनता है, 10% बहुत टफ है। अगर आप महीने का 3 से 6% कमा रहे हो ना एक्सपीरियंस के बाद, पूरा टाइम स्पेंड करने के बाद, तो आप महान हो जी, ज़्यादा रियलिस्टिक रिटर्न रखो। सो ये नए लोग के साथ होता है, उनको सपने दिखाए जाते हैं, कोर्सेस बेचे जाते हैं। मैं पता है मेरे पास एक बंदा आया था कि सर वो मैं जब उस मेरी फीस 1000 थी, तो मैंने आके बोला कि सर मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया, आपने कोई टिप्स नहीं देते हो। मैंने बोला कि आपने सारा आप कोई टिप्स नहीं देते हो? मैंने बोला मैं टिप्स देता ही नहीं हूँ, आपने क्लास अटेंड किया? नहीं सर, बस वो टिप्स लेके आया था। सो मैं पहले ही बोल देता हूँ मैं कोई टिप्स नहीं देता हूँ, जो भी आपको ये रिटर्न मतलब बर्बाद हो जाओगे आप लोग, क्या बोलें, वो बंदा के पास मैंने उसका पैसे रिफंड कर दिए कि भाई तुम्हारे पास 9-10 हज़ार हैं और उसी में 1000 मुझे दे दिए, तो ये लो भाई अगर तुम्हें क्लास पसंद नहीं आया, तुमने क्लास अटेंड ही नहीं किया, सारे वीडियोज़ भेज दिए मैंने, रिकॉर्डिंग भेज दिए, फिर भी उसको पसंद नहीं आया, तो मैंने उसके पैसे वापस कर दिए कि भाई जो उम्मीद शायद नहीं तो मैं क्यों लूँ। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि सर मेरे पैसे वापस कर दो, आपने टिप्स दिया ही नहीं। सो क्या उसके साथ क्या होगा सोचो, मतलब बहुत दुख लगता है जब ऐसे मैसेज आते हैं, दुख ज़्यादा लगता है जब वो बोलते हैं कि सर लोन पे मैंने क्या बोलेंगे, लोन पे मैंने लॉस कर दिया, अब वो लोन जिंदगी भर भरेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम दूर की बात है, जो आप लोग जी रहे हो लाइफ बिना लोन वाली, वो भी वो नहीं जी पाएंगे। ठीक है, लोन ही भरते रह जाएंगे। सो दोस्तों, ये ट्रेडिंग जो ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप लोन नहीं ले सकते, ये महापापी बनोगे आप। ठीक है, इसको मार्केट में सोचो, अगर इतना आसान होता तो आपसे पढ़े ज़्यादा मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे सब लोग क्या करते, अगर इतना ही आसान होता तो सब लोग लोन पे आते, 12% के लोन उठाते और यहाँ से 100% हर महीने का बनता। ऐसा नहीं होता है। क्या ये बोलने से मेरा फ़ायदा होगा? फ़ायदा नहीं होगा, मेरा कोर्सेस नहीं बिकेंगे, कितने लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ये रियलिटी है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, रियलिटी बोल रहा हूँ कि भैया लोन लेके ट्रेडिंग करना कि 12% में मैं लोन उठाऊंगा और साल का 100% बनाऊंगा, ये गलत है। अपने हस्बैंड का पैसा लगाना गलत है। अपने जैसे मैं जब स्टार्टिंग में था, मेरे पास खुद का पैसा नहीं था, तो मैंने पापा के पैसा से कैश में करता था, कोई इंट्राडे फ्यूचर नहीं, इंट्राडे में 2-3 क्वांटिटी का करता था बस सीखने के लिए, उसमें कोई ऑप्शन फ्यूचर नहीं। तो मेरे पास खुद के पैसे नहीं थे तो कैश में करता था, मैं अच्छी कंपनीज में पैसा लगाता था और वेट करता था। ठीक है, कोई स्टॉप लॉस नहीं। सो वैसा करो अगर आपके पास ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि ट्रेडिंग रिस्की है, समझते क्यों नहीं इस बात को कि यहाँ पर रिस्क लेना पड़ता है। अगर आप कमाना चाहते हो साल के 10 लाख, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा 5 लाख का, वो 5 लाख खुद के होने चाहिए कैश में, लोन का नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो अभी भी लोग मतलब इस वीडियो से अगर 100 लोग भी इस बात को समझ जाते हैं कि मैं लोन से ट्रेडिंग नहीं करूँगा, खुद के पैसे करूँगा, ना अपने पेरेंट्स के पैसे पे लगाऊंगा, ना अपने वाइफ के, ना हस्बैंड के, ना बैंक के, खुद का जो पैसा है मैंने सेव किया, मेहनत से कमाया है, और आपके पास खुद का पैसा नहीं है तो ट्रेडिंग मत करो, ट्रेडिंग नहीं है आपके लिए, ट्रेडिंग अवॉइड करो, जाओ पहले कोई दूसरा जॉब खोजो, दूसरा इनकम खोजो, फिर वहाँ से पैसा आएगा, फिर उसको अपने रिस्क पे लगाओ। दूसरों का पैसा रिस्क पे नहीं लगाते हैं, ना अपने पेरेंट्स का पैसा रिस्क लगाते हैं, ना अपने वाइफ का, ना हस्बैंड का, किसी का नहीं। क्रेडिट पे लोन लेते ही नहीं है। ठीक है, लोन लेना ही नहीं है यहाँ पे। और फिर सोचो अगर आपने लोन ले भी, मतलब वो तो पाप है ही, सोचो आपने लोन ले लिया, आप लॉस हो गया, तो कितना प्रेशर आएगा आप पे कि भैया इसका EMI भी चुकाना है। तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं, मतलब अब क्या बोले, मतलब अब जब लॉस होगा तो आपको का मैंने जो मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ कि भैया मेरे व्यूअर्स को पता होना चाहिए। अगर आप मेरे व्यूअर हो, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, तो ये गलती प्लीज़ मत करो,
ये जो लुभार है आपको टेलीग्राम पे कि सर हमारा कॉल ले लो, हमारा पुट ले लो, रोज़ 1,000, रोज़ 10,000। सो ऐसा होता तो जो बड़े बड़े टीवी एनालिस्ट हैं, जो न्यूज़ लिख रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, रात दिन आपको न्यूज़ दे रहे हैं, उनके साथ उनको भी बहुत कुछ पता है, तो वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, वो लोग ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों न्यूज़ दे रहे हैं, क्यों मैं यहाँ पे आपकी यूट्यूब वीडियोज़ बना रहा हूँ, ऐसे कैमरा के सामने ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। समझो, कॉमन सेंस समझो कि एक इनकम चाहिए यहाँ पे ताकि आप सस्टेन कर सको मार्केट में। और 50,000-20,000 से ट्रेडिंग नहीं होती है, यहाँ पे बहुत पैसे चाहिए। अब आप कमा भी लोगे साल का 50%, 1,00,000 पे, तो 50,000 क्या होता है, टाइम स्पेंड किया आपने दिन रात। सो इसलिए कैपिटल चाहिए यहाँ पे, इसलिए आपको सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। ये मैं बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ, अगर आपको इसमें भी कुछ फ्रॉड लग रहा है तो ये आपकी गलती है, ठीक है। जाइए अपने जो भी आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको सुनिए कि भैया महीने का 30% कैसे कमाते हैं, 40% कैसे कमाते हैं महीने का, वो आपको बताएंगे, बोलेंगे हाँ जी हमारा टिप सर्विस लो, हम बताएंगे आपको। जब लॉस होगा तो कोई मतलब उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से पैसे ला रहे हो, बस उनको पैसे चाहिए, ठीक है। उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लूट जाओ, बर्बाद हो जाओ, आपका फैमिली का क्या कंडीशन है, क्या आप कैसे कंडीशन में जी रहे हो, कितने पैसे की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपको, उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको बस यही कि बस आप हमें पैसे दे दो और टिप्स बस भाड़ में जाओ, ठीक है। लॉस हुआ आपका, प्रॉफिट हुआ तो हम दिखाएंगे, लॉस हुआ तो नहीं दिखाएंगे, प्रॉफिट हुआ तो दिखाएंगे। सो यही था दोस्तों, यही थी कहानी कि भैया लोन महापापी बनोगे आप, अपने फैमिली के लिए ट्रैप बनाओगे, अपने फैमिली को रोड पर लाओगे, घर बेचना पड़ेगा, कितने लोग बेच देते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है जब ये करते हैं काम। सो कुछ भी हो जाए, चाहे आपके पास 1,000 है फिर भी लोन मत लेना, चाहे आपके पास कितना भी मतलब एक इंडस्ट्री, कितना भी लिक्विडिटी, कोई भी शॉप, कितना भी लालची लग रहा हो, कितना भी अच्छा लग रहा हो, उसको अपने लोन पे बाय मत करना। ये मतलब कितना भी बढ़ जाए वो, मतलब आपको बहुत महान फ्यूचर दिख रहा है फिर भी लोन लेके ट्रेडिंग करना, आप समझ जाओ, ठीक है, आप समझ जाओ, मैं कुछ अब बोलूँगा ही नहीं। सो ये था दोस्तों कहानी, एंड आई होप कि आपको कुछ समझ में आएगा। बस आपको इतना समझना है कि भाई लोन लेकर ट्रेडिंग नहीं करना, सिंपल, दिस इज सिंपल। जो भी करूँगा अपने पैसे से करूँगा, अगर मेरे पास अभी पैसे नहीं है तो मैं फ्यूचर में कमाऊँगा और फिर ट्रेडिंग करूँगा, लेकिन अपने पैसे से करूँगा, अपना रिस्क डालूंगा, तब आपको पता चलेगा कि रिस्क क्या होता है, ठीक है, दूसरों के पैसे से क्या ही करोगे। और जब अब जो सोचो, जिस बंदे ने लोन लेकर लॉस कर लिया, वो कितना बेचैन होगा उस लॉस को रिकवर करने के लिए, प्रॉफिट तो भूल ही जाओ, प्रॉफिट तो भूल ही जाओ, जो उस बंदे ने लॉस लेके मतलब कमाल की बेचैनी होगी, भैया EMI भी भरना है फिर लॉस भी रिकवर करना है, और लॉस करेगा, बर्बाद ही हो जाएगा वो। सो अगर आप मेरे व्यूअर हैं तो ऐसा नहीं करेंगे आप बिल्कुल, मुझे उम्मीद तो है कि आप लोग ये गलती नहीं करेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो पहले सीख लीजिए, मेरे क्लासेस चलते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर लिंक दिया होगा, नंबर दिया होगा, आप वहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और अगर मैसेज करते हैं तो मैं आपको 1 घंटे का डेमो वीडियो भेजूँगा, अगर आपको पसंद आता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड लोन मत लेना।